अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाईजान, ये सारी वीडियोस जो सी हैं वो जो सा नेट वगैरह बंद था, यूट्यूब वगैरह सारा कुछ बंद था, तो उसकी वजह से लग नहीं सकी। तो फिर बार बार जो सा वो क्लिप यानी कि अपलोड करने के लिए लगाते थे तो होता ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब ऐसे चल गई भी थी लेकिन जो सी अपलोडिंग वगैरह ना वो बहुत स्लो और बहुत ही मुश्किल से हो रही थी। और फिर इतने मुश्किल से अपलोडिंग करना वगैरह सारा कुछ जो सा वो बड़ा मुश्किल हुआ हुआ था। तो खैर वो बात की बातें हैं, पर जो भी चीज़ें हैं जो उनसे लोग हैं पीटीआई वाले वो तो कहते हैं यार ये हमने किया नहीं है, यानी कि ये जलवाया किसी और ने है। और जो दूसरे हैं वो लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने क्या क्या कर दिया। तो खैर अब ये बातें तो बाद में पता चलेंगी कि क्या हो रहा क्या नहीं, पर इन सब में यार मुल्क का नुकसान जो उनसे ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कि ये आप देखो कि कोई चीज़ वो कह रहा है या नहीं कह रहे, कि जिस मर्जी चीज़ के लिए जो मेन चीज़ है वो है तो यही ना कि आप वो इलेक्शन करवाओ। तो इलेक्शन जो उनसे हैं वो कहते हैं कि जी ऐसी सुननी नहीं किसी की। और वही बात है कि एक हिडन चीज़ जो उनसे एक हिडन पावर है आपकी मुल्क में वो जो उनसे है वो सबसे ज़्यादा तकड़ी हुई हुई है, और कोई भी चीज़ जो उनसे है वो निज़ाम के ख़िलाफ़ ही चल रही है, जो भी चीज़ निज़ाम के साथ नहीं चल रही। और इसलिए मुल्क में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो और मुल्क में हमारे मुल्क में सारा कुछ ठीक हो। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।